खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां बंकी प्रथम से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे मोहम्मद आकिब पुत्र मोहम्मद शकील जो आजादी के बाद से लगातार प्रधानी का चुनाव जीते चले आ रहे। आपको बता दें कि विगत 25 साल प्रधानी का चुनाव ही नहीं जीता बल्कि जनता का दिल भी जीता। आजादी के बाद से मोहम्मद शकील तथा उनके पुरखों से प्रधानी चली आ रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि जिला बाराबंकी की जनता से जब पूछा गया तो यह बात खुलकर सामने आई कि मोहम्मद शकील अपने क्षेत्र में काफी चर्चित हैं, क्योंकि मोहम्मद शकील पूरी लिस्ट तैयार करते चले आ रहे जिसमें महिलाओं से लेकर कच्चे मकानों तक, जिन लोगों के पास यह सुविधा नहीं है, सरकारी योजनाओं का लाभ लगातार लोगों को दिलाते रहे, जिसके चलते जनता इनको कई बार प्रधानी का अवसर दे चुकी है। इस बार मोहम्मद शकील ने अपने बेटे मोहम्मद आकिब को चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना है कि मोहम्मद आकिब को जनता अपना आशीर्वाद देती है या नहीं। मोहम्मद आकिब जी, ये बताइए, आप बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको वृद्धा पेंशन योजना नहीं मिली है। अभी हम जब गांव के अंदर आ रहे थे तो हमें मतलब सुनने को मिला, उन लोगों की आपने एक पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है और बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास पक्का मकान नहीं है, तो किस तरीके से आप मतलब उनकी पूरी लिस्ट तैयार कर रहे हैं और किस तरीके से उनको मतलब जिनके पास पक्के मकान नहीं है, शौचालय नहीं है, पूरी एक आपके पास लिस्ट तैयार की गई है, अभी हमको बहुत सारे लोगों से सुनने को मिला, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं जिस गांव में जा रहा हूं मैं यही सब देख रहा हूं और यही सब कमियों के लिए मैंने अपना यह कदम आगे बढ़ाया है और हमारे साथ युवा और महिलाएं और सब बुजुर्ग लोग सब हमारे साथ, जैसे कि हम देख रहे हैं युवा बहुत आपके साथ चल रहा है, किस तरीके से जन सैलाब आपके साथ चल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं का साथ है हमारा और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है और सब जनता चाह रही है कि एक बार युवा प्रत्याशी आए और उसको बनाया जाए। जैसे कि अभी हमने क्षेत्र में यहाँ पर जसमंडा जब हम ग्राम में आए हैं तो किस तरीके से आप मतलब एक पूरी लिस्ट तैयार किए हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस मैंने लिस्ट जो तैयार की है मैं यही सब देख के तैयार कर रहा हूँ कि कहाँ पे क्या कमी है और क्या है, मैं अपनी जरूरत के मुताबिक मैं क्या क्या कर सकता हूँ गाँव के लिए और यही मैं सोच रहा हूँ। काफी उसमें महिलाओं की भी लिस्ट है, जैसे जो वृद्धा महिलाएं हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका क्या कहते हैं शौचालय नहीं मिला है, जिनके पक्के मकान नहीं है, उनकी भी आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं। जी 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 जी। तो क्या आप जैसे यहाँ के प्रतिनिधि बन जाते हैं, जनता आपको ले आती है, तो क्या ये वादे आप पूरे करेंगे या सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं? नहीं नहीं, हम ये वादे पे खरे उतरेंगे, वादे पूरे नहीं करेंगे, हम ये वादे पे खरे उतरेंगे और ये वादा हम पूरा करके दिखाएंगे अगर हमको जनता लाइक कर रही है और पसंद कर रही है तो। हमने ये भी सुना सैकड़ों लोगों की लिस्ट आप तैयार कर चुके हैं और किस तरीके से आपके साथ जनसैलाब चल रहा है। जी, हमने सब सैकड़ों से ज्यादा लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है और काफी लोगों से मैं मिल चुका हूँ। मोहम्मद शकील जो लगातार 25 वर्षों से विगत प्रधान रह चुके अपने क्षेत्र के, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पिताजी जो 25 वर्ष प्रधानी कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा उनका स्वभाव है और लोगों से मिलते हैं, उन्हीं की तरह मेरा भी स्वभाव है, उन्हीं के विचार के। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आइए जाने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा जी, ये बताइए, आप मोहम्मद आकिब जी के साथ दे रहे हैं तो किस तरीके से मतलब ये अपने समाज में और अपने क्षेत्र में किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं? मोहम्मद आकिब जो हमारे पूर्व प्रधान मोहम्मद शकील जी के सुपुत्र मोहम्मद आकिब जो कई विगत कई वर्षों से रेंदुआ पलरी पंचायत के प्रधान रहे, तो इस बार जिला पंचायत प्रतिनिधि बना दिया जाएगा। अपने कार्यकाल में रेंदुआ पलरी में कई सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया, खड़ंजा नाली सब, शौचालय सब कुछ बनवाया। उसी तरह से इस बार उनके छोटे सुपुत्र मोहम्मद आकिब इस बार जिला पंचायत के लिए मैदान में उतरे हैं, तो हम मैं जनता से यही अनुरोध करता हूं कि जनता इस बार उन्हें इस बार चुने और जनता अपने लिए। ये बताइए, मोहम्मद आकिब आपके क्षेत्र से जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं बंकी प्रथम से, तो मोहम्मद आकिब को जानते हैं आप? जी सर। तो छोटा भाई है। आपका छोटा भाई है, तो क्षेत्र में काफ़ी इनका नाम मतलब एक जनसैलाब को लेकर बहुत उड़ रहा है और जनसैलाब इनके साथ चल रहा है और युवा इनके साथ बहुत चल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से मोहम्मद शकील जो इनके पिता हैं बताते हैं कि 25 वर्षों से विगत ये चुनाव जीतते रहे प्रधानी के, तो किस तरीके से ये लोगों की समाज में सेवा करते चले आ रहे हैं? जी सर, ये सत्य है, इनके पिताजी 25 से विगत 25 वर्षों से प्रधान रहे हैं और हमसे उम्र में भी छोटे हैं, हम अच्छी तरीके से इनके। तो मोहम्मद आकिब का आप किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से इनका साथ दे रहे हैं? इनका साथ में हर तरीके से, हम नहीं, हमारा पूरा क्षेत्र, हमारी पूरी ग्राम सभा रेंदुआ पलरी और पूरा हमारा क्षेत्र। जैसे कि बंकी प्रथम में हमने बहुत ज्यादा कवरेज किया तो उसमें ये सुनने को मिला कि मोहम्मद आकिब जो है वो पूरी एक लिस्ट तैयार किए हैं जिन लोगों के पक्के मकान नहीं है और जिन लोगों को शौचालय नहीं मिला है और जिन लोगों की जो महिलाएं हैं बुजुर्ग हैं उनको वृद्धा पेंशन योजना को लेकर मतलब हर एक एक व्यक्ति की ये लिस्ट बना के चल रहे हैं और जितने भी लोग हैं उनको दिलाने का वादा कर रहे हैं।
तो ये बताइए, ऐसा तो नहीं ये चुनाव जीतने के बाद ये वादा नहीं पूरा करेंगे? नहीं सर, जैसे कि आम तौर पर देखा जाता है चुनाव से पहले वादे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो पूरी लिस्ट जो तैयार की जा रही है चुनाव अगर प्रतिनिधि ये बन के आते हैं तो उन सबको मतलब अपने तरीके से जो सरकार की योजना है वो दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर सर एक बात और होती है इसमें कि ना करे या ना करे ये अलग की बात है, लोग कहते हैं, लेकिन जिस पेड़ का आम मीठा होता है तो चाहे 10 बार फले लेकिन उस पेड़ का आम मीठा ही होगा। और जैसे हमारे शकील चारे काम के ये हमारे चचा लगते हैं और जिन्होंने 25 साल से जनता की सेवा की है, उसी प्रकार से उससे कहीं ज्यादा इनके अंदर क्षमता है मोहम्मद आकिब साहब के अंदर। आकिब भैया जिंदाबाद, आकिब भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आकिब भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। जन सैलाब इनके साथ चल रहा है, किस तरीके से मोहम्मद आकिब पुत्र मोहम्मद शकील जिस तरीके से सैलाब के साथ चल रहे हैं और एक लोगों की तैयार कर। तो ये बताइए मोहम्मद आकिब इस बार जो जिला पंचायती का चुनाव लड़ रहे हैं तो किस तरीके से आप लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरीके से इनके साथ युवा सैलाब चल रहा है और ये काफ़ी युवा हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, कुछ लोगों ने हमसे ये भी कहा, तो किस तरीके से आप लोग इनका मोहम्मद शकील का और मोहम्मद आकिब जी का साथ दे रहे हैं? अच्छी तरह से